समर्थन में बैठे हैं, ऐसे ये आप अपना आक्रोश, अपना दुख, अपना कष्ट अपना व्यक्त करने आए हैं और उस क्रम में मेरा घेराव कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं, इनकी मांग के साथ हैं। इनकी मांग तो हम लगातार सदन में लगातार उठाते रहे आए हैं और फिर उठाएंगे। और हम इन साथियों को कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई आप लड़ें, हम आपके साथ खड़े हैं। एमएलसी संजय सिंह के आवास पर जो बीत रहित शिक्षक हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ खुद संजय सिंह मौजूद है। सर, आपके आवास पर जो बीत रहित शिक्षक हैं बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पर बैठे? बिल्कुल, हम उनके समर्थन में बैठे हैं। ऐसे ये आप अपना आक्रोश, अपना दुख, अपना कष्ट अपना व्यक्त करने आए हैं और उस क्रम में मेरा घेराव कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं, इनकी मांग के साथ हैं। इनकी मांग तो हम लगातार सदन में लगातार उठाते रहे हैं। इस बार भी मानसून सत्र में मजबूती से 8 से 10 साल के जो बकाए अनुदान है उसके भुगतान की मांग हमने की है और इसी के तहत ये यहाँ बैठे हैं। कि लगातार 8-10 वर्षों से जो अनुदान है वो नहीं मिल रहा है, आप सदन में भी इनकी मांग को उठाए हैं? बिल्कुल उठाए हैं और फिर उठाएंगे। और हम इन साथियों को कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई आप लड़ें, हम आपके साथ खड़े रहें। लगातार आप शिक्षक के मुद्दे को उठाते हैं, छात्र के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, इन लोगों की बात क्या सुनेगी? वही बात तो कह रहे हैं कि संघर्ष चुनावी वर्ष है, संघर्ष का दबाव सरकार महसूस करती है और सही समय है। परिस्थिति जन संघर्ष जब खड़ा होता है तो अभी परिस्थितियाँ आ रही हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की आवाज़ को नहीं सुनेगा तो उस चुनाव में भी उनको उसका खामियाजा भुगतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। इनकी संख्या करीब 40 से 50 के लगभग होगी, टीचर और टीचर मिला के, अनुदानित विद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सारे लोग को अगर मिला दिया जाए तो 40 से 50 की संख्या में ये हैं। 40 से 50 हज़ार की संख्या में। बिल्कुल, उनकी बात को सुन के नहीं, 75 जो एमएलसी उन सभी की आवाज़ पर घेराव करेंगे। ये तो इन लोग की ये स्ट्रेटजी है कि हम सबको घेराव करेंगे, मंत्री हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, और इन्होंने हम ही जो इनके सबसे बड़े समर्थक है उन्हीं के घेराव से इन्होंने अपनी शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। क्या और भी जो का कार्यक्रम है देखेंगे हम लोग। तो अलग से सभी शिक्षक प्रतिनिधि और स्नातक प्रतिनिधि जो हैं इन बिंदु पर हम अलग से बैठक करेंगे और साथ ही साथ इस बार के मानसून सत्र में जो इनके बकाए अनुदान की मांग उठी थी और सरकार ने एक आश्वासन दिया, हम लोगों ने उसका भी विरोध किया कि ये कोड़ा आश्वासन हर बार सदन में, आज आप मंत्री हैं कल दूसरे मंत्री थे, सबका मिलता रहा है लेकिन आज तक समय पर अनुदान देना सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया है। तो इसमें माननीय सभापति ने इंटरवेन करके कहा कि हम अलग से इन सवालों पर मंत्री के साथ बैठना चाहेंगे और आप लोग भी उसमें शामिल होंगे। हम समझते हैं कि सभापति बहुत जल्द मंत्री से समय लेकर और एक बैठक करेंगे तो वहाँ भी ये सवाल उठेंगे, मजबूती से उठेंगे वित्त रहित शिक्षा नीति के सवाल। चलिए, तो CPI MLC संजय सिंह थे, इनके आवास पर आज जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हैं और वो भी उनके समर्थन में बैठ गए हैं। बहरहाल, इसको में इतना ही, आप बने रहे निज फाउंडेशन के साथ।